hello friends you are welcome to my channel study with arthi gupta today in this video lecture i am going to discuss a short play dido the queen of carthage and it is written by christopher marlowe and also contributed by thomas nash friends it was written between 1587 and 1593 and first published in 1594 फ्रेंड द फुल टाइटल ऑफ दिस शॉर्ट प्ले इज़ द ट्रेजिडी ऑफ डिडो क्वीन ऑफ कार्तीज इस प्ले का जो मेन प्राइमरी सोर्सेज है जो प्ले राइट ने सोर्सेज लिया है वो लिया है एडिड जिसको लिखा था वर्जन ले और बुक थी वन टू एंड फोर तो फ्रेंड्स ये थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देखते हैं कि इस प्ले में क्या है फ्रेंड्स ये जो प्ले है इसकी स्टार्टिंग होती है जुपिटर से जुपिटर जो कि गॉड ऑफ थंडर एंड गॉड ऑफ स्काई है वो यहाँ पे मीन्स ही फॉल इन लव विद गैनमिट यहाँ पे गैनिमिट कौन है गैनमिट यहाँ पे ट्रोजन हीरो है और बहुत ही हैंडसम होता है जो जुपिटर है वो यहाँ पे इसका फाउंडलिंग है मीन्स ही फॉल्स इन लव विद हेम तो यहाँ पे गैनमिड इससे कंप्लेन करता है कि जो तुम्हारी वाइफ है जूनो वो मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही है क्योंकि उसको इस चीज़ से जालसी हो रही है कि तुम ना मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करने लगे हो जिसकी वजह से तुम्हारी वाइफ जूनो अच्छा बिहेव नहीं कर रही है ये यह यहाँ पर जो गैनमिड होता है वो जुपिटर से बात कर रहा होता है कितने में एंट्री होती है वीनस की वीनस जो कि है गॉडेस ऑफ ब्यूटी वीनस जो कि ये कंप्लेन करती है जुपिटर से कि मेरा बेटा एनीज़ जो कि ट्रोजन वॉर से अभी अभी वहाँ से लौटा है कुछ वहाँ के सर्वाइवर्स के साथ वो एक तूफान में खो गया है और तुम जो अपनी ड्यूटीज हो तुम उसको अच्छे से नहीं कंप्लीट कर रहे हो क्योंकि तुम इस गैनीमेड के चक्कर में जो पड़ गए हो तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है जो तुम्हारी ड्यूटीज़ है कम से कम उसको तो तुम पूरा करो यहाँ पे जुपिटर देखता है कि यहाँ पे ये वीनस बहुत ज़्यादा परेशान है तो बोलता है कि तुम परेशान मत हो मैं उस स्टॉर्म को शांत कर दूंगा जिससे तुम्हारा बेटा ना सेफ रहेगा तुम परेशान मत हो उसके बाद जुपिटर हरमिस को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम जाओ और जो लीबिया में तूफान उठा था उसको जाके तुम शांत कर दो यहाँ पे वीनस क्या करती है कि वो लीबिया की तरफ जाती है बट एज अ डिस्गाइज में जाती है वो अपने आप को एज अ मॉर्टर डिस्गाइज करती है और अपने बेटे के पास पहुँचती है उसका बेटा उसको पहचान जाता है लेकिन वो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करती है कि एग्जैक्टली मैं तुम्हारी मदर हूँ और वो उसका एनीस का एग्जैक्टली यहाँ पे साथ देना चाहती थी अब यहाँ पे ये पहचान तो लेता है कि ये मेरी मदर वीनस है लेकिन ये वीनस यहाँ पे रिवील तो करती नहीं है कि एक्जैक्टली exactly मैं वीनस हूँ उसके बाद ये क्या करते हैं कि इसके साथ जो और सर्वाइवर्स थे मिस एनीस के साथ जो ट्राय से और भी सर्वाइवर्स साथ में आए थे उनको उस कार्थेस की जो क्वीन थी मिस डीडो बहुत ही अच्छा उसको ट्रीटमेंट दिया था और उन सबको बहुत ही ज़्यादा सेफ करके रख लिया था अब यहाँ पे जो एनीस होता है वो मिलता है डीडो से तो डिडो से पूछती है कि तुम अभी ट्राय से वापस आए हो तो मुझे बताओ कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था मुझे पूरा डिटेल में जानना है तो यहाँ पे एनीस उसको सारी चीज़ें डिटेल में बताता है किस तरीके से वहाँ पे प्रियम की डेथ हो गई उसकी खुद की वाइफ़ की भी मीनस एनीस की वाइफ की भी, भी डेथ हो गई और उसका बेटा एस केनियस वो उसके साथ और दूसरे अदर सर्वाइवर्स के साथ वहाँ से यहाँ पे आ गया है इसके बाद डिडो इसकी बात सुन लेती है और इसे प्रॉमिस करती है कि ठीक है तुम परेशान मत हो मैं तुम्हारी शिप यहाँ से सप्लाई करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी ये बोलता है ठीक है उसके बाद अब इंट्रोडक्शन आता है थोड़ा सा डिडो का डिडो का एक सूटर होता है मिस लवर होता है जिसका नाम होता है एयरबस वो बहुत प्रेशर डालना था डिडो के ऊपर कि तुम उसे शादी कर लो शादी कर लो डिडो भी उससे प्यार करती थी उसको फेवर करती थी लेकिन अभी ना वो एकदम से एग्री नहीं थी कि अभी वो शादी इसको करना ही करना है उतने में ही जो एनीज़ की मदर थी वीनस वो प्लान करती है और वो क्यूपिड को क्या करती है डिज़गाइज़ में ऐसा डिज़गाइज़ करती है कि वो एस्केनियस के डिज़गाइज़ में आ जाता है क्यूपिड जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा डिडो के क्लोज रह पाए अब उसके बाद ये ठीक है ये डिस्गज़ में आ जाता है उसके बाद जो डिडो होती है वो एनी से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है उससे इन्फ्लुएंस होती है और उसको प्यार करने लगती है और जो उसका लवर था यार बस उसको वो इग्नोर करती है उसको नेगलेक्ट करती है यहाँ पे इसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है मीन ए बस को इसके जो बहन थी डिडो की एक बहन थी जिसका नाम था अन्ना वो यार बस को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी तो यहाँ पर उसकी बहन अन्ना क्या करती है सोचती है कि मैं इसको डिडो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करेज करूँ करेज करूँ कि ये ना डिडो को ही प्यार करने लगे क्यों करने लगे क्योंकि अन्ना तो खुद भी ए आरबस से प्यार करती थी तो उसने सोचा ऐसा हो जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा उसके बाद यहाँ पे डिडो इससे प्यार करने लगती है क्लोजली ये दोनों बहुत एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और डीडो क्या करती नर्स भी हायर करती है जो कि एनीस के बेटे एस कैनियस की बहुत अच्छे से केयर कर सके उसके बाद अब डिडो यहाँ पे फाइनली पब्लिकली ये अनाउंस कर देती है कि एग्जैक्टली exactly वो एनीस को ही प्यार करती है जैसे ही बात यार बस सुनता है उसको बहुत गु़स्सा आता है वो सोचता है कि मैं ज़रूर इससे बदला लेके कर रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए उसके बाद ये डिडो और एनीस दोनों एक केव की तरफ जाते हैं एंड दे वॉन्ट्स टू डेवलप फिजिकल रिलेशनशिप विद ईच अदर उसके बाद वहीं पे एंट्री होती है जूनो की जूनो यहाँ पे कौन थी जुपिटर की वाइफ तो वीनस को ऐसा लगता है कि शायद जूनो यहाँ पे आई है ये मेरे बेटे एनीस को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुँचाएगी इन लोगों के बीच में एक शॉर्ट आर्गूमेंट हो जाता है उसके बाद जूनो ये बताती है कि नहीं मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ पे कोई भी हार में पहुँचाने नहीं आई हूँ बट मेरे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान्स हैं उसके लिए तुम चाहो तो मैं तुम्हें बताऊँ यहाँ पे इस तरीके से इन दोनों का सेटलमेंट हो जाता है अब यहाँ पे जो एनीस के और भी फॉलोवर्स थे उसके सर्वाइवर्स थे उसके साथ जो आए थे मेरे ट्राय से आए थे वो लोग इटली के लिए जा रहे थे लेकिन फाइनली ये लोग यहाँ पे रुक जाते हैं स्टॉर्म की वजह से लीबिया में तो ये एनीस को बोलते हैं कि हमें लोगों को ना यहाँ से जाके इटली जाना चाहिए क्योंकि जो हमारी डेस्टनी है उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग को वहाँ जाना पड़ेगा एनीस इस बात पर एग्री हो जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है लेकिन अन्ना जो डीडो की सिस्टर थी वो जाके बताती है कि यहाँ से एनीज हमेशा के लिए जा रहा है तो डीडो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मीन्स एक्साइटेड हो जाती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है तो उससे बोलती है कि नहीं तुम यहाँ से मत जाओ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ एनी हाँ वो यहाँ पे उसको रोक लेती है और एनीस यहाँ पर कोशिश करने लगता है कि वो एक न्यू सिटी बनाएगा अब जो डिडो थी उसको ये पूरी तरीके से भरोसा हो गया था कि जो एसकेनियस है उसको तो मैंने नर्स के पास रख दिया है वो नर्स की कस्टडी में है तो आम शोर के एनीज़ अपने बेटे एसकेनियस को छोड़ के यहाँ से कभी नहीं जाएगा लेकिन फ्रेंड्स एग्जैक्टली जो एसकेनियस के वहाँ पे जो डिजाइज में था वो तो क्यूपिड था उसके बाद यहाँ पर मरकरी आता है चूँकि रियल एस्केनियस के साथ मिस एनीस का जो रियल बेटा था एस्केनियस उसके साथ ये वापस आता है और इसको बोलता है कि जुपिटर ने कमांड दिया है कि तुम्हें यहाँ से इटली की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वहीं पे तुम्हारी डेस्टिनी है उसके बाद अब एनीस के पास इतनी पावर नहीं थी कि उस डिवाइन कमांड को मिस जुपिटर के कमांड को ना माने तो यहाँ से जाने की वो तैयारी करने लगता है डिडो बहुत बोलती है कि तुम रुक जाओ तो मत जाओ लेकिन लेकिन वो कैसे भी करके यहाँ से चला जाता है अब जो डिडो होती है उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है थी उसको अब यहाँ पे वो क्या करती है इसके बेटे एस्केनियस को बहुत ही ज़्यादा कर्ज करती है तो उसकी नर्स आके बताती है कि यहाँ से एस्केनियस तो डिसअपियर हो गया है क्योंकि फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया था आपको जो एस्केनियस था वो तो क्यूपिड था डिस्गाइज में उसके बाद डिडो यहाँ पर ऑर्डर देती है और कहती है कि उस नर्स को इम्प्रजेंट कर दिया जाए जेल में डाल दिया जाए कि उसकी कस्टडी से एस्कैनियस कैसे भाग गया उनको ये लग रहा था कि शायद एस्कैनियस अगर यहाँ पर रहेगा तो शायद वो वापस आ जाए एनीस लेकिन अब तो एस्केनियस ही नहीं था यहाँ पर तो एनीस के आने का कोई मतलब भी नहीं बनता और एनीस तो हमेशा के लिए इटली जा चुका था अब यहाँ पे वो इतनी ज़्यादा परेशान होते हो जाती है वो ऑर्डर देती है कहती है कि एक फंडल पायर बनाओ और क्योंकि उसको इसलिए बनाओ क्योंकि मैं वो हर चीज़ जला देना चाहती हूँ जो चीज़ें मुझे एनीस की याद दिलाएंगी क्योंकि मैं एनीस को बिल्कुल भी याद करना नहीं चाहती और उसके प्रोजनी को बहुत ही ज़्यादा कर्ज़ करती है और उसके बाद वो उसी फनल फायर में अपने आप को फेंक देती है मीन थ्रो कर लेती है अपने आप को यार बस उसका जो एक्स शूटर था इस चीज़ को देखता है तो बहुत डर जाता है और वो अपने आप को भी वहाँ पे मार लेता है जब अन्ना देखती है जो उस सिस्टर थी डिडो की जब वो ये देखती है कि यार बस मर गया है तो वो भी अपने आप को मार लेती है और फिर तरीके से लास्ट में थ्री डैश होती है मीन्स एक होती है डिडो की सेकेंड उसकी सिस्टर अन्ना की और थर्ड उसकी सूटर की एयरबस की तो फ्रेंड इस तरीके से एक ट्रेजडी है आम शोर की आपको समझ आ गया होगा स्टोरी बहुत अच्छी थी और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से एक परसेंट भी फ़ायदा हुआ हो या आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप मुझे लाइक करके मेरे वीडियोज़ को शेयर करके मुझे कॉपरेट करें थैंक यू सो मच